मुझे मतलब पनीर बनाने जाना होगा, पर मैं क्या कर रही हूँ आप लोग देखिए, छुप छुप के इस रूम में। ये देखिए बैठ के नेल का ये देख रही हूँ, लाइव देख रही हूँ। ये नंबर मैंने हाइड कर दिया क्योंकि वो नंबर लोगों का दिख जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, तो नंबर इसीलिए मैं हाइड करके दिखा रही हूँ। देखिए नेल देख रही हूँ बैठ के, मतलब पूरा टाइम शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, मतलब एक दिन पागल हो जाऊँगा शॉपिंग कर करके। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्पिता कीर्ति। आप सब कैसे हैं बताइए। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, मैं भी ठीक हूँ। तो आज सुबह से मतलब सो रही थी क्योंकि बेटा को स्कूल नहीं भेजी, बेटा का पेट थोड़ा ख़राब है तो मैंने जानबूझ के ही नहीं भेजा। कल रात को भी वो एक बार मतलब बाथरूम गया, सुबह को भी गया, तो मतलब स्कूल नहीं भेजी मैं। और मेरा भी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था रात से, तो नहीं भेजी। तो आज मेरा नहाना वहाना मतलब सब हो चुका है, मतलब ब्रेकफास्ट हो चुका है, सब कुछ करके उसके बाद अभी स्टार्ट करी व्लॉग। तो चलिए अभी चलते हैं, खाना बनाना होगा दोपहर का, तो पहले खाना बना लेते हैं। क्योंकि मैं अब आप लोगों को पता होगा, 2 दिन से बोल रही हूँ कि पालंग पनीर बनाना है। उस दिन लाइट नहीं था, कुछ नहीं था, पालंग फ्रिज में रह रह के ऐसे मतलब ये हो गया, सिकुड़ गया है। तो पालंग पनीर बनाऊंगी अभी, क्योंकि मेरे हस्बैंड सुबह को 6:30 को आज आ चुके हैं। कल रात को उनका पहुंचने का ये था, 1 बजे रात को पहुंचने का बात था, बट उनका मतलब बस इतना लेट था, इतना लेट था, सुबह को 6:30 वो घर आए, तो वो भी आ चुके हैं। खाना खाने के लिए आएंगे फिर। तो चलिए अभी पहले चल के खाना बना लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं, ठीक है। पालंग का हालत देखिए पूरा एकदम सूख गया है, और जितना नहीं सूखा है कैमरा में और ज़्यादा सूखा सूखा लग रहा है। तो इसको अभी मैं गर्म पानी में ये करूँगी, काट के थोड़ा सा सॉफ्ट करूँगी, फिर उसके बाद पेस्ट करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वरना हस्बैंड आ जाएंगे खाने के लिए। देखिए मैंने साग को पेस्ट करके डाल चुकी है कढ़ाई में, तो ये बन रहा है। इधर बेटा को दे रही हूँ एप्पल, क्योंकि बेटा जो है कुछ नहीं खाना चाह रहा है, उसका तबीयत भी ठीक नहीं है। ये देखिए एक एप्पल भी नहीं खाएगा, आधा खाएगा, उसका भी मतलब पील करके देना पड़ता है, छिलका नहीं खाता है। और ये दो मैं खा लूँगी अभी, क्या करूँ, तो ये दो उसको देख के आती हूँ। मेरा पालंग पनीर ऑलमोस्ट मतलब रेडी, फुल क्रीम दे रही हूँ। एक तो मैं पिंक कलर की ड्रेस पहनी हूँ, ऊपर से इसका छीटा निकल रहा है, मेरा ड्रेस पूरा जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इसको मैं धीमी आंच में 10 मिनट के लिए रखूंगी, मतलब बनाऊंगी, तो ये रेडी हो जाएगा। ये देखिए मेरा पालंग पनीर रेडी, और उधर मैंने आटा भी रेडी कर लिया है, तो अभी बनाऊंगी रोटी। क्योंकि आप लोगों को पता है हम लोग मतलब वीकडेज में ऐसा राइस प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि मैं बहुत मतलब कम क्वान्टिटी में खाती हूँ, और मेरे हस्बैंड को भी एकदम गर्मा गर्म चाहिए, तो मतलब इसीलिए राइस नहीं खाते हैं, सैटरडे संडे खाते हैं, और बीच में अगर मन करता है तो खाते हैं। तो अभी रोटी बनाएंगे। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड खा के चले गए, अभी हम लोग खाएंगे। मैं अपलोड कर रही थी वीडियो। तो ये देखिए बेटा का एक पराठा जो वो पूरा नहीं खाएगा, और मेरा 2 रोटी, क्योंकि मैं ना राइस थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ मतलब वेट गेन की वजह से, और एक मिठाई पड़ा हुआ है, मेरे हस्बैंड एक खा के चले गए, और पनीर पालंग पनीर। तो अभी खा लेते हैं पहले, उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं, ठीक है। तो खा लेते हैं। तो गाइस खाना कंप्लीट, और अभी बैठी हूँ, अभी पेज पे वीडियो अपलोड करना है। और जो लोग मेरे पेज पे नहीं है वो लोग काइंडली प्लीज़ पेज को भी फॉलो कर लेना, पेज का नाम भी अर्पिता कीर्ति है। तो प्लीज़ गाइस थोड़ा सा मतलब वीडियो देखिए, क्योंकि क्या हो गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो व्यूज़ डाउन हो गया है, मतलब क्या करो समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज़ हेल्प, मतलब हेल्प क्या, मतलब आप लोग देखिए इतना ही बोल सकती हूँ। तो मेरे हस्बैंड को देखिए ये वाला मग मिला है, ये उनका स्कूल का पिक्चर है, और ये देखिए ये उनका 1997 का बैच है, तो 25 ईयर्स कंप्लीट हुआ उसका
ये चल रहा था सेलिब्रेशन, तो ये मग दिया है। देखिए मेरे घर में बहुत सारा मग है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब वोडाफोन में जॉब करते थे ना, मतलब जब वोडाफोन में थे, तो मतलब बहुत ये जूजू वाला, ये वाला, वो वाला, बहुत सारा मग है। तो बहुत अच्छा अच्छा मतलब वहाँ पे मग मिलता था, और इसमें मतलब जियो में तो एक दो मिला होगा, तो कुछ मतलब कुछ भी नहीं मिलता है वोडाफोन से। तो टी शर्ट, मग बहुत कुछ मिलता था, तो मग बहुत सारा है, बट ये टूट जाएगा, इसके डर से मैं ये नहीं करती हूँ, यूज़ नहीं करती हूँ। आप लोगों को तो पता है मैं स्टील के ग्लास में चाय पीती हूँ, कॉफ़ी पीती हूँ, सब पीती हूँ। और मेरा हस्बैंड का अलग मग है, तो जब वो मतलब फेंट के मैं कॉफ़ी बनाती हूँ या फिर ब्लेंडर में बनाती हूँ, तब उनको मग में देती हूँ, तो उनका अलग मग है वहाँ पे। तो अभी थोड़ा सा सोना है, नहीं सोना नहीं है, अभी पेज पे वीडियो अपलोड करना है, उसके बाद थोड़ा सा सोना है, फिर इवनिंग में देखते हैं क्या करेंगे। सोच रही हूँ क्या करूँ, मैं सोच रही हूँ एक मेकअप वीडियो करूँ, क्या करूँ देखते हैं अभी इवनिंग में क्या करते हैं। तो अभी पेज में पहले वीडियो अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। और मेरा बेटा देखिए फिर से सारा उसका हॉट व्हील्स निकाल के पूरा बेड पूरा भर दिया है, ये सब ठीक करना होगा, फिर सोना होगा। ये देखिए बेड, देखिए यहाँ पे चिप्स का पैकेट, ये सब आपको मिल जाएगा यहीं पे, ये देखिए। और बहुत ज़्यादा उसको सर्दी फिर से मतलब सर्दी गया ही नहीं उसका। तो चलिए अभी वीडियो अपलोड कर लेते हैं पेज पे, फिर सोऊंगी, ठीक है। तो अपलोड करते हैं, बाय। तो ये देखिए आज जैकेट पहन चुकी हूँ, ठंडा है बहुत, और मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, मतलब ज़्यादा ज़्यादा। तो जा रही हूँ अभी कॉफ़ी बनाने के लिए। तो इधर मेरा बन रहा है कॉफ़ी, ये देखिए सिर्फ दूध का बनता है, मेरे हस्बैंड थोड़ा सा भी पानी नहीं ये कर सकते। और इधर मेरा बेटा का दूध गर्म हो रहा है, और भी 3 पैकेट दूध है, बट ये वाला पतीला मैं मतलब रख दूँगी धोने के लिए, इसलिए ये वाला पतीले मैं नहीं गर्म करूँगी, बाद में करूँगी, क्योंकि मुझे फिर से मतलब पनीर बनाना होगा बेटा के लिए, चिली पनीर बनाना होगा। अब पालंग पनीर बना चुकी हूँ, अब चिली पनीर बनाओ। तो कॉफ़ी वॉफ़ी पी के, बेटा को दूध पिला के, उसके बाद फिर से आऊँगी ये पनीर मतलब चिली पनीर बनाने के लिए। मेरा बेटा का फेवरेट है, मतलब वो पनीर का जो ये ग्रेवी रहता है, वो झोल की मतलब पानी की तरह स्पून से लेके पीता है, इतना उसको अच्छा लगता है। तो अभी फिर से आऊँगी बेटा के लिए चिली पनीर, क्या करूँ, क्योंकि मेरा बेटा एकदम खाना पीना कुछ नहीं जानता है, राइस तो छोड़ ही दीजिए, रोटी भी नहीं खा सकता, कुछ नहीं खा सकता, बस बाहर का वो कबाब थोड़ा सा खा सकता है, चिप्स लेस ये सब खा सकता है, यही सब। कैसे ठीक करूँ उसको नहीं पता, क्योंकि मेरा कॉफ़ी इसमें डालना होगा। तो ये देखिए मैं अपना कॉफ़ी लेके आई हूँ, और इसके साथ खाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो एक कपकेक लेके आई हूँ, और ये जो चना जोर गरम होता है, ये मूंग दाल का है, मतलब मूंग दाल जोर गरम तो इसके साथ खाऊंगी, मतलब खाली कॉफ़ी चाय अच्छा नहीं लगता है। मुझे मतलब पनीर बनाने जाना होगा, पर मैं क्या कर रही हूँ आप लोग देखिए, छुप छुप के इस रूम में, ये देखिए बैठ के नेल का ये देख रही हूँ, लाइव देख रही हूँ। ये नंबर मैंने हाइड कर दिया, क्योंकि नंबर लोगों का दिख जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, तो नंबर इसलिए मैं हाइड करके दिखा रही हूँ। देखिए नेल देख रही हूँ बैठ के, मतलब पूरा टाइम शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, मतलब एक दिन पागल हो जाऊँगा शॉपिंग कर करके। छुप छुप के देख रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी देखेंगे फिर चिल्लाएंगे, बोलेंगे फिर से बुकिंग, जबकि मैं बुकिंग किए जाती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। ये ख़त्म होगा तो जाऊँगी खाना बनाने के लिए, उससे पहले मैं घर में थोड़ा सा कॉल करूँगी, बात करूँगी, फिर जाऊँगी वो पनीर बनाने के लिए मेरे बेटा का। तो ये देखिए मेरा बेटा का चिली पनीर रेडी, और उसको ज़्यादा मतलब ये ऐसा पतला झोल वाला चाहिए, क्योंकि वो स्पून से खाता है मतलब पीता है। तो ये उसका पनीर रेडी, उसको रख देती हूँ। और इधर मेरा दूध भी गर्म हो चुका है, तो अभी मैं जा रही हूँ बिग बॉस देखने। तो गाइस अभी मैं बिग बॉस देखने बैठी हूँ, और मैं लेट हो गई हूँ आज, मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, क्योंकि मैं वो बेटा का चिली पनीर बनाने लेट से गई, उससे पहले मैं अपना वीडियोस को लेके एडिटिंग को लेके काम कर रही थी। तो अभी 15 मिनट क्रॉस कर गया है, तो क्या मेरे हस्बैंड तो चिल्लाएंगे फिर से रिपीट देखने से, क्योंकि सुबह को बेटा का स्कूल है, कल भेजना ही है स्कूल। तो रुकिए मैं चश्मा पहन लूँ पहले, बिना चश्मा का तो मुझे दिखेगा भी नहीं। तो अभी मैं अपना बिग बॉस एंजॉय करती हूँ, तो बाद में आप लोगों से बात करते हैं, ठीक है। बिग बॉस देख लो पहले। गाइस आ गई हूँ मैं अभी सोने के लिए, तो व्लॉग को एंड नहीं किया था, तो मैंने सोचा आप लोगों को मिल के फिर जाते हैं।
तो उससे पहले सुनिए, मैंने 4 सेट नेल भी ऑर्डर किया है, ठीक है। नियॉन कलर का 2 है और एक रेड में है, एक ब्लू में है। तो आने दीजिए, फिर आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। तो अभी तो सोना है क्योंकि सुबह को बेटा का स्कूल है। तो ये देखिए, मैं चेंज वेंज करके आ गई हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टाटा, गुड नाइट।